विक्रम सिंह साहब, यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, अब यूपी में सब और चंगा, रंगदारी न फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती, माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। योगी जी का ये दावा अपने भाषण में, आप में दम दिखता है क्या इसको आपको? मुझे अंजना जी इस दावे में 100% दम दिखाई पड़ रहा है, बल्कि 200%। अति के एक दो चीजें मैं फिर बताऊंगा जो आज जिनका खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट की निगरानी में राजेंद्र स्टील की नीलामी होनी थी, अतीक अपने गुंडों के साथ पहुंच के, जो भारत से 9 लोग आए थे, वो उनको बंधक बना के कहा तो वही इलाहाबाद से तब जाएगा जब ये मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से टेंडर पड़ेगा। अल्टीमेटली हाईकोर्ट को ये आदेश देना पड़ा कि इसके राजेंद्र स्टील की नीलामी कहीं और हो, यूपी के बाहर हो जाए। एक वो भी दिन था अंजना जी, एक वो भी दिन था यहाँ पर कि राजू पाल की हत्या इलाहाबाद के एक छोर से दूसरे छोर तक रगेत करके किया गया था। ये भी दिन था कि जिस तरीके से लोग माफिया हजरतगंज चौराहे पे गाड़ियों के बॉनेट पे विस्की की बोतलें रख करके छेड़खानी करते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी बाहुबलियों को छेड़ने की। आज अगर ये आपके सामने सुखद सत्य है तो वो भी बिल्कुल ठीक है। अतीक और उसके गिरोह का जिस तरीके से उन्मूलन हुआ है, ये एक सुखद है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप इसकी जनमत संग्रह यूपी के हर जिले से 100 आदमी से पूछ लीजिए, हर आदमी इस जो हुई क्रिया है उसको लेकर के जो प्रसन्नता है, ये मान के चलिए कि लोगों के घर में घी के दिए जल रहे हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं प्रयागराज में जिन लोगों को लूटा खसोटा और जिस तरीके से उनको नोचा गया है, उनके यहाँ जो राहत आज मिली है, वाकई ये एक काबिले तारीफ और जनता में जो उत्साह और हर्ष की लहर दौड़ी है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। अंजना जी, सिंह साहब, एक छोटा सा कमेंट जिसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास अनुराग जी। ये जो वीडियो और जो हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, उसके दफ्तर में खून के धब्बे मिल रहे हैं, खून के धब्बे मिले हैं, तो ये सब तो अभी हो रहा है ना? ये कौन जी कर रहा है? ये अभी हो रहा है, ये कौन सॉल्व करेगा? ये पुलिस क्यों नहीं समझ पा रही है? ये 15 अप्रैल के बाद जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी उसके बाद का वाकया है, और ये अगर पुलिस मौजूद थी तो भी आपत्तिजनक है, और पुलिस नहीं थी तो और भी ज्यादा आपत्तिजनक है। लेकिन अंजना जी, खून की रिपोर्ट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से आ जाने दीजिए। मैं समझता हूं कि किसी ने इसको एक सुनसान जगह देख करके कोई अपने अपराध का कृत्य किया, क्योंकि जो महिला के पर्स, 5 दिन कपड़े पहले, सर, और खून बरामद, जी 5 दिन पहले जब वहां हमारा एक सहयोगी गए थे तो कोई खून का कुछ ऐसा डब्बा नहीं था, कोई खून का नहीं था जी, यहीं पर। लेकिन उसके बाद अगर खून के डब्बे हैं तो ये अत्यंत आपत्तिजनक स्थिति है, और मैं चाहूंगा इसकी गहराई से इसमें आपराधिक अनुसंधान करके इसका पता लगाएं कि ये महिला कौन थी, क्या हुआ था, और ये किस महिला की, किसने ये दुस्साहस किया है ये चीज पता लगाने की। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हो जाने दें, तब जब पिक्चर क्लियर होगी तब इस पर टिप्पणी करना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अंजना जी, इसको अभी खुलासा करना ठीक नहीं होगा। अभी इसको ऐसी रहें, जब फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट आ जाती है और पुलिस की तरफ से कोई वक्तव्य आ जाता है तब इस पे कुछ टिप्पणी करना औचित्यपूर्ण होगा। अंजना जी, अभी नहीं। ठीक है, चलिए इंतजार करेंगे उसका। वारिस पठान साहब, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, ये उन्होंने कहा कि इसमें कोई जी, कोई मैं हाथ इसलिए उठा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि कोई दो राय नहीं है, जो दावा है वो सही है, आप लोगों के बीच जाइए, उनको सुरक्षित महसूस हो रहा है। आप नहीं, उत्तर प्रदेश के भी बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, इसलिए मैं हाथ उठा रहा हूँ। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश एकदम ना राइट है ना कुछ, एकदम क्राइम फ्री हो गया है। मैं बोलना चाहूंगा एनसीआर नेशनल क्राइम रिपोर्ट का डाटा है, 17 से लेके 22 तक में 30,000 से ज्यादा तो उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे हो गए। इन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं आराम से घूम सकती है। 5 दिन पहले एक हमारी दलित स्कूल की छात्रा बहन जा रही थी, उसको सरेआम गोली मार दिया दिन दहाड़े। उसके पहले एक महिला का रेपिज बाहर आता है, रेप के कानून को छोड़ के उसको और उसके बच्ची को जला डालता है वहां पे। उत्तर प्रदेश में कायदा कानून सब खत्म हो गया। और मैं बोल रहा था तो मैं देख रहा था कि राकेश त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे थे, तो मैं पूछना चाहूंगा तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या था अतीक के एनवलप में जिसको छुपा रहे हो, जो उसके वकील के पास था फिर योगी के पास आ चुका है? क्या है वो एनवलप में, क्यों नहीं सार्वजनिक करते? एनवलप में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन थे, कौन कॉन्स्पिरेटर था, किसको अतीक को किससे डर था, कौन मारने वाला था, कौन षड्यंत्र था, कौन टेरर मॉड्यूल का मेन सरगना था, सारी चीजों का दूध का पानी का पानी क्यों छुपाया जा रहा है? अंजना जी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ तो है राज जिसकी बहुत बड़ी पर्दादारी है। उत्तर प्रदेश की सरकार छुपाना चाहती है या चाहती है कि इसी तरह दिन दहाड़े रस्तों के पर पुलिस की निगरानियों में कत्ल होता रहे, संविधान का कत्ल होता रहे, जुडिशियरी खत्म होती रहे? नहीं बताएंगे? आप बताओ ना, उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस हो गया, लखीमपुर हो गया, उन्नाव हो गया, तो ये तो सब योगी के कांड में हुआ ना, योगी के राज में हुआ। बचा सके योगी इसको, रोक सके इसको, और क्या आया इसका रिजल्ट? कुछ नहीं। 5 किसानों को कुचल दिया जाकर टिनी के बेटे ने, आज बाहर खुल रहा है।
खुली फिजाओं के अंदर घूम रहा है, उसकी जगह को अगर और कर दिया होता आज तक जेल के अंदर सड़ रहा होता वो, ना उसका फादर को निकाला आपने, कुछ नहीं किया, सत्ता की मलाई भी खा रहे हो, क्राइम भी कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। और ये हमको पूरी तरह से यकीन है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी इसी तरह अगर करते रहे, बुलडोजर ठोक डालूंगा वाला पॉलिसी, मिट्टी में मिला दूंगा वाली पॉलिसी इस्तेमाल कर दिए, तो वो दिन दूर नहीं कि इसी तरह के मॉड्यूल के लोग आके दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मारेंगे, पूरे देश को अराजकता की तरफ लेके चले जाएंगे। अंजना जी मुझे देखा फिर मुस्कुरा रहे त्रिपाठी जी, वो लब्बे क्या है जिसको छुपा रहे हो बताओ। वारिस जी राकेश जी से जवाब लेंगे, लेकिन एक जरा एक बार वारिस साहब को दिखाइए। वारिस साहब आपको पता है ना, जिस शाइस्ता जी को जिनको आप शाइस्ता जी कहते हैं, जिनको आप अतीक जी कहते हैं, जिनको आप उसका बेटा असद जी कहते हैं, सारे अपराधी माने जाएंगे क्योंकि इन सब पर गंभीर धाराएं लगे हुए हैं। यही शाइस्ता बड़ाई कर रही थी योगी आदित्यनाथ की। अरे देखा है कि नहीं देखा है वो वीडियो, जब घेरा कसने लगा इन पर कानून का यूपी में, तो खूब बड़ाई की थी शाइस्ता ने और कहा हमारे पति जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन आपको सत्ता चाहिए इसलिए आप हर जगह माफियाओं को पकड़ते हैं। करता ही नहीं, पैसा उनके पास खूब होता है, रसूख होता है, कहां पकड़े करता ही रसूख होता है, पैसा होता है, तभी तो कहीं शहाबुद्दीन कहीं पर अतीक अहमद की बीवी। आपने जो बताया ना, नहीं सुनिए आपने जो बताया ना कि 100 की लिस्ट बना ली है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की, वो लिस्ट के साथ कनेक्टेड जो इनके लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो असेंबली में बैठे हैं, जरा उनके नाम गिना तो आधी की आधी असेंबली साफ हो जाएगी। हमने कभी अतीक जी नहीं, शाइस्ता जी नहीं, हमने तो उनको टिकट नहीं दिया, मगर जिनको टिकट दे क्या कर रहे थे उन लोगों के साथ, टेरर एक्यूज, शाइस्ता के ऊपर केस तो नहीं थे, टेरर एक्यूज तो नहीं थी। अरे स्टेज पे तो आए थे, मेंबर बने थे, तो मेंबर को क्या टिकट दे दिया, उसके बाद चले गए वो, हमारी पार्टी से तो चुनाव नहीं लड़े वो, लेकिन जिसकी पार्टी से चुनाव लड़के जिनका महामंडल करके जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया, उनके बारे में भी दो अल्फाज बोल दीजिए, बता दीजिए एनवलप के अंदर क्या है त्रिपाठी जी, बता दीजिए साध्वी प्रज्ञा सिंह को आपने दिया है नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बनाया है नहीं आपने उसको, टेरर एक्यूज आज भी है, आज भी टेरर एक्यूज है, उसकी बाइक यूज हुई थी मालेगांव में जिसमें लोगों की जान चली गई, ब्राउन प्लस किया है उसने गोधरा के अंदर, जो बिल्किस बानो का कातिल था उसकी भी बेटी को टिकट देके आपने जीता दिया। अरे ऐसे तो अगर बीजेपी की आप स्टेज देखोगे अंजना जी तो भरा हुआ रहेगा। आपका सवाल उन्होंने सुन लिया है, अब आप चले गए।